एवरीवन, वेलकम टू कारखाना। दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। और अभी आप मुझे देख रहे हैं कहाँ पे भाई? पूरा वैसे मैं बताऊँ, यहाँ पर मैं वीडियोस पहले भी बना चुका हूँ और यहाँ का जो रंग रूप है ना, बिल्कुल कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। मैं आपको एक छोटा सा टूर दे रहा हूँ यहाँ का, इस शॉप का कम्प्लीट बताऊँगा भाई कहाँ पे हूँ, क्या होने वाला है, कौन सी गाड़ी। वैसे थंबनेल देख करके वो पता लग गया कि आज कौन सी गाड़ी में काम हो रहा है। भाई आज की जो गाड़ी है वो है महिंद्रा XUV 300 और इसके बेस वेरिएंट में आज काम होने वाला है। कहाँ पे हूँ, सस्पेंस ओपन किया जाए। चलो सस्पेंस ओपन करते हैं। पहले मैं आपको भैया से मिलवा देता हूँ। भैया एक बार हाई कर दो हमारे व्यूअर्स को। तो अब आपको पता लग गया होगा कि आज हम आए हैं क्रिस्टल कार केयर पे और यहाँ पर जो हमारे पास गाड़ी है 300 W4 बेस मॉडल। बेस मॉडल में क्या क्या काम कर दिया हमने आज? अभी तो इसमें बहुत ज़्यादा कोई हाई एंड काम नहीं हुआ है, ज़रूरत से भी कम चीज़ें लगी है, पर इसकी बिल्कुल W8 बनाने का क्षमता हम में है। W8 बना दूंगा इसको, यानी कि कस्टमर का जितना बजट था हमने उसके अंदर कंप्लीट वो कुछ करके जो उन्होंने बोला वो हमने लगा दिया है। और बाद बाकी इसकी W8 तक इसको W8 से भी प्लस कर दूंगा इसको, इतनी एसेसरी है इसकी हमारे पास। तो अगर आपने भी XUV 300 ले ली है और उसमें काम करवाना चाहते हो, और अगर आपने बेस मॉडल या फिर टॉप मॉडल से नीचे कोई मॉडल लिया तो काम करवाना होगा भाई, चले मत जाना। छोटा सा इंट्रो स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद ये कंप्लीट वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, क्या क्या चीज़ें लग रही हैं सब कुछ आपको आज दिखाने वाला आपका भाई। तो आपको पता ही है दोस्तों कि भाई बेस वेरिएंट में कंपनी कुछ भी नहीं देती है, बिल्कुल ही खाली सा एक डब्बा पकड़ा देती है। बट यहाँ पर बेस वेरिएंट में काम किया गया है, जो भी कस्टमर का बजट है वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कस्टमर का क्या बजट था, बट उस बजट के अंदर क्या क्या काम हुआ है ये सब मैं आपको इस छोटे से वॉक अराउंड में दिखा देता हूँ। देखो फ्रंट में ऐसा तो कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बट यहाँ पर फॉग लाइट की प्लेसमेंट करी गई है। अभी क्या है ना कि भैया की जो की है वो अभी बनने गई हुई है, यानी कि उसको भी भैया आफ्टर मार्केट मॉडिफाई किया गया है, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। उसमें रिमोट में चेंजेस होंगे वो भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको सारी लाइट्स अभी ऑन करके भी दिखाने वाला हूँ, बट अभी और साइड में क्या क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई सबसे ऊपर हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, तो यहाँ पर रूफ रेल्स आप देखेंगे, डुअल टोन रूफ रेल्स यहाँ पर लगाए गए हैं और डोर वाइजर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, काफ़ी बढ़िया से लग रहे हैं ये देख सकते हो आप। बाकी नीचे व्हील कवर लगाए गए हैं ये देखो, तो कुछ इस तरह के हाइपर व्हील टाइप यहाँ पर लगाए गए हैं जो कि डुअल टोन में है। दूर से देखोगे तो आपको एलॉय व्हील जैसा ये फील करा देती है। चलो अब चलते हैं पीछे। रियर में स्पॉइलर लगाए गए हैं, ये आप देख सकते हो रियर स्पॉइलर यहाँ पर, तो ये यहाँ पर फिटिंग हुई है। लाइट भी है यहाँ पर, पीछे कैमरा की भी फिटिंग चल रही है अभी प्रॉपर। जब ये प्लेस हो जाएगा तो आपको मैं अंदर भी दिखा दूंगा कि कैसे वर्क कर रहा है। मड फ्लैप्स यहाँ पर लगाए गए हैं, तो चलो अब चलते हैं अंदर। रियर सीट से ही देखता हूँ एक बारी कुछ चेंजेस है कि नहीं है। अभी मैंने ना एक्चुअली उनसे पूछा भी नहीं कि आपने क्या क्या लगाया, बस मैं जस्ट अभी गाड़ी में घुसा हूँ और मैं देख रहा हूँ। तो भाई यहाँ पर क्या है कि ये रही जो मैटिंग है नीचे और फ्लोरिंग, ये मैं आपको ना अभी लाइट जला करके दिखा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें अभी कराई गई हैं। क्या नाम है भाई आपका? अमान भाई हैं और यही अभी की बना के लेके आए हैं, ज़बरदस्ती की है, बहुत अच्छी की लगी है हमें। और चलो अब मैं थोड़ा अंदर का टूर आपको दे दूँ। तो जैसा मैं बता रहा था, बस ये की बन के भी इतनी देर में आ गई है। ये देखो इसकी जो रिमोट है ये किस तरह का है, महिंद्रा का लोगो आपको मिल जाएगा, सेम ऐसा कंपनी वाले देते हैं टॉप वेरिएंट में, कुछ उस तरह का ही बना दिया। ये देखो फ्लिप की है, ये बहुत ज़बरदस्त वर्किंग है, नहीं है देख लेते हैं एक सेकेंड, नाइस। तो भाई काम ये कर रही है, एक बार मैं फ्रंट से भी दिखा दूँ आपको, नाइस। तो ये बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ पर फ्लिप की है और ये भी पेयर में बनाया गया है। ये देखो यार क्या ज़बरदस्त है, ऐसे तो यार बताओ कंपनी वालों को बेस मॉडल में दे देना चाहिए था, बट नहीं देते हैं, बट ठीक है उसके लिए हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम करवा सकते हैं। चलो अब अंदर आपको ले जाता हूँ, अंदर का टूर एक बारी देता हूँ। चलो अब मैं एक बारी अंदर आपको दिखा देता हूँ। क्या है ना इसमें डुअल टोन इंटीरियर ऑलरेडी आता है, इसमें शेड्स आते ही हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था कि मैट पहले मैं दिखा दूँगा, तो ये बकेट मैट्स यहाँ पर लगाए गए हैं। नीचे फ्लोरिंग आप देख रहे हो ये भी लेदराइट है, और क्या लगाया है भाई और देख लेते हैं। ओह सीट काफ़ी सही है यार। चलो यहाँ पर लगाया गया सिस्टम, अभी ये भी मैं वर्किंग कंडीशन में आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। कौन सी कंपनी का है? TVS कंपनी का है, ओके। अच्छा फ्रेम आपको दिखा दूँ भाई, प्रॉपर फिटिंग के साथ ये फ्रेम है यहाँ पर। पहले इसका मैं वॉल्यूम करूँ डाउन वरना कॉपीराइट क्लेम आ जाता है भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पर प्रॉपर एक स्क्रीन लगाई गई है जो कि 9 इंचेस की है, 9 इंचेस है 10 इंचेस है, 9 इंचेस है। एंड्रॉयड है, आप इसमें कोई भी गाना प्ले करो, कोई भी वीडियो प्ले करो, सब आप इसमें चला सकते हो।
देखो सर क्या कर रहे हैं, इसमें पेन ड्राइव सिस्टम यहाँ पर एक पोर्ट दे दिया है जिसकी वजह से हम वीडियोस भी चला सकते हैं। इसी में हुआ, आई गेस इसमें हुआ वीडियो। एक सेकेंड, तो भाई वीडियो इसमें अभी चल रही है। एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँ पिक्चराइजेशन। इसके कलर जो है ये आप देख सकते हो, दूसरी वीडियो लगाते हैं इसमें कलर ही वैसे ही ब्लैक एंड वाइट टाइप है, ये नहीं कि कलरफुल वीडियो देखेंगे चला करके। स्क्रीन रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छा दिया गया है। स्टेयरिंग पे यहाँ पर कुछ कंट्रोल्स लगाए गए हैं, यानी कि मल्टीमीडिया कंट्रोल्स जो हैं ये लगाए गए हैं। ये भी अच्छी चीज़ है, बेस मॉडल में आता नहीं है बट ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अब मिल जाएंगी। तो भाई अगर जिसको नॉलेज नहीं होगी ना बेस मॉडल या टॉप मॉडल की, उसको पता ही नहीं चलेगा कि ये बेस मॉडल है, वो हमेशा इसको बड़ा ही मॉडल समझेगा। ये अच्छी चीज़ है। एक खास चीज़ और लगाई गई है, आर्म रेस्ट। बेस मॉडल में आर्म रेस्ट नहीं देती है कंपनी, बट यहाँ पर बिल्कुल जेन्युइन लगाए गए हैं जो कि आपको टॉप वेरिएंट में मिलते हैं, वैसे ही आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। ये पूरा कंट्रोल जो है, ये जो सेंटर कंसोल है ये चेंज हुआ है इसमें, राइट। तो ये भी एक अच्छी चीज़ लगी मेरे को। साथ ही यहाँ पर कंपोनेंट स्पीकर्स लगाए गए हैं, आगे JBL के लगे हैं और पीछे कौन से लगाए हैं भैया? JBL ही लगे हैं। ओके, तो बहुत, अब मैं दिखा तो नहीं सकता हूँ, डैम्पिंग हुई है भैया? डैम्पिंग हुई है इसमें, अच्छा डैम्पिंग भी हुई है, चलो ये बहुत बढ़िया है। एक माइक यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि ये भी अभी हमने लगाया होगा सेटिंग, कि जो भी जो कॉल्स होंगी वो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं हैंड फ्री पे। माइक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे तो, देखो नीचे जो फ्लोरिंग है ना, मैटिंग है, ये सब काफ़ी अच्छी लग रही है। तो ये सब काम अभी कराया गया है, साथ में ऐसा मैंने आपको दिखाया था कि इसकी जो की है ये भी लगाई गई है। तो ये रही की, जैसा मैंने आपको दिखाया था फ्लिप की यहाँ से बनवा ली है। भाई बहुत प्यारी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि महिंद्रा ने ही दी है। पीछे लोगो भी है ना, तो ओरिजिनल ऐसा ही आता है। खैर बहुत अच्छी लग रही है, आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कि आपको कैसी लग रही है। ये भी हमने लगवाया ना अभी, तो ये रहा इसका ओरिजिनल सेंटर कंसोल, जैसे मैंने आपको बताया था भाई उसको चेंज किया गया है, वहाँ पे आर्मरेस्ट लगाए गए हैं। तो ये वाला आता है जिसमें आर्मरेस्ट की फिटिंग नहीं होती है, तो ये यहाँ पर इसको चेंज किया गया है, भाई बढ़िया सा लग रहा है। और ये रहा स्टीयरिंग व्हील पे जो नॉर्मल जो ओरिजिनल आता है वो ये होता है, बट इसको भी चेंज करके यहाँ पर मल्टीमीडिया के बटन जो है वो लगाए गए हैं। साथ ही पार्शल ट्रे भी यहाँ पर लगाई गई है, ये देखो। तो पार्शल ट्रे लगवा लेते हो तो आपको सामान रखने में काफ़ी हेल्प हो जाती है, मतलब कोई भी छोटा मोटा आइटम होता है आप आराम से उसके ऊपर टिका सकते हो। और नीचे स्पेस तो इस गाड़ी में काफ़ी अच्छा है ही भाई। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर फॉग लाइट की भी प्लेसमेंट करी गई है, तो ये रहे इसके फॉग लाइट, ये आप देख सकते हो। अच्छा एक चीज़ और बता दूं कि देखो ऑप्शंस ना बहुत होते हैं किसी भी गाड़ी के लिए, जैसे इसमें यहाँ पर जितनी कस्टमर की नीड थी अभी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम हुआ है, बट आप चाहें तो इसमें अलग काम करवा सकते हो। लाइक इसकी जो लाइट्स हैं वो भी आप वाइट कलर की करवा सकते हो, LED लाइट लगवा सकते हो, चेंज हो जाएगा कलर उसका। यहाँ पर भी आप कोई भी वाइट कलर की लाइट लगवा सकते हो फॉग लाइट में, ठीक है। अच्छा एक बारी मैं आपको दिखा दूँ जो व्हील कवर हैं वो भी कुछ इस तरह के हैं, जरा मैं लाइट ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। अब मड फ्लैप आपने देख ही लिया था, तो ये सब चीज़ें चेंज करा सकते हो, साइड फेंडर को पूरा पैक करा सकते हो, और उसकी जगह पे ऑटोमेटिक जो फोल्डिंग मिरर्स होते हैं वो भी आप यहाँ पर लगवा सकते हो। तो ऑप्शंस की भाई कमी नहीं है, DRL लाइट्स भी यहाँ पर लगा सकते हो, टॉप वेरिएंट में जो लाइट आती है ना यहाँ पर वो, तो ये भी आप यहाँ पर लगवा सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। ग्रिल चेंज करा सकते हो, सारे ऑप्शंस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब कुछ आपके हाथ में है, जैसा आप करवाना चाहोगे गाड़ी में वैसा काम हो जाएगा। तो जब आप क्रिस्टल कार पे आते हो ना, तो आपको किसी भी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई मेरी गाड़ी के लिए यहाँ पर एसेसरीज मिलेगी नहीं मिलेगी। पीछे स्टॉक देख रहे हो, यही मकसद है ये वाला क्लिप दिखाने का कि आप पीछे स्टॉक देखो, भरमार पड़ी है, चाहे वो सीट कवर हो, स्टेयरिंग कवर हो, टच स्क्रीन सिस्टम्स हो, म्यूज़िक सिस्टम यानी कि कोई भी हो, हेडलाइट्स, यहाँ तक कि गाड़ियों के हेडलाइट्स हैं अगर आप उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं, मोस्ट ऑफ दी कार्स सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर आपको प्रोजेक्टर लाइट्स भी मिल जाएंगी, सीट कवर जैसे मैंने आपको बताया था भरमार बढ़िया भाई। स्पीकर्स आपको अलग अलग ब्रांड के भी मिल जाएंगे, आपके बजट रेंज के हिसाब से आप जो भी चीज़ इसमें लगवाना चाहते हो सब मिल जाएंगे। इसके अलावा भी देखो म्यूज़िक सिस्टम से रिलेटेड सब कुछ है, सीट कवर हो, मैटिंग हो, फ्लोरिंग हो, ठीक है, यहाँ तक कि
जो फुटरेस्ट होते हैं वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो, ABS गार्ड्स भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अलग अलग ब्रांड्स के सब कुछ यहाँ पर आपको मिल जाता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई यहाँ से मिलेगा नहीं मिलेगा, सब मिलेगा। तो इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप ये देखो एक बारी और ख़ुद देखो कि कितनी बड़ी शॉप है, सब कुछ अवेलेबल है यार, वो भी अंडर वन रूफ। तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। गाड़ी कोई भी हो आपके पास, कोई भी ब्रांड हो, कोई भी वेरिएंट हो, सबके लिए यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आराम से आकर के आप काम करवा सकते हो। शार्क फिन एंटीना भी यहाँ पर अब लगा दिया है, तो ये भी अपने पास चॉइस है, वाइट लगवाओ या फिर ब्लैक लगवाओ। जैसे कस्टमर ने मतलब भाई पर्ल वाइट नहीं है भैया के पास, तो कुछ इस तरह का ही है, जैसा आप चाहो वैसा आप यहाँ पर लगवा सकते हो। तो चलिए अब मिलवाता हूँ आपको गाड़ी के ओनर से और उनसे ही बाकी की चीज़ें पूछ लेते हैं, क्या खर्चा बैठा है, क्या क्या है, काम से सेटिस्फाई है नहीं है, सब पूछते हैं। भैया बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल कारखाना में आपका। चलो थैंक यू भाई साहब, बहुत बहुत आपने नाम बता दीजिए। मेरा नाम उपेश है, मैं मानेसर से आया हूँ। ओके, बड़ी दूर से आया भैया। हाँ जी भैया, और मैं पहले भी एक दो बार आया था इधर मार्केट में। अच्छा, पहले भी तो मैंने कल गाड़ी परचेज की थी, आज मैं काम कराने गया। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपको नई गाड़ी मिल गई है यहाँ पर, और बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छी गाड़ी आपने लिया है, एक सेफ कार आपने लिया जिसको 5-स्टार रेटिंग मिली हुई है। तो मैं वैसे भी अपने सारे व्यूअर्स को बोलता हूँ कि कोई भी गाड़ी लें लेकिन सेफ गाड़ी लें। बिल्कुल, तो उनमें से एक कस्टमर आप हो और अच्छा लगता है जब आप कोई सेफ गाड़ी चलाते हो। चलिए ये तो वही एक गाड़ी के बारे में बात। अब जो कि आज आप मॉडिफिकेशन कराने करोल बाग आए थे। हाँ बिल्कुल, क्रिस्टल कार पे। तो इनका काम कैसा लगा वो मैं बाद में पूछूंगा, पर मैं पहले पूछूंगा कि आपने क्या क्या कराया। वैसे मैं दिखा चुका हूँ, बट आप अपने हिसाब से बता दो कि जो जो आपने। मैंने भाई इसमें म्यूजिक सिस्टम लगाया है, चारों स्पीकर लगाए हैं और माउंट कंट्रोल कराए हैं। ओके, हैंडल में और इसकी डोर वाइजर, स्पाइलर और रेन वाइजर, और इसमें ट्रे पिछली बैक की ट्रे। ओके, और फोग लैंप। हाँ, और ये आर्म रेस्ट लगवाया है कंपनी फिटेड। भाई आर्म रेस्ट भी आपने जो लगवाया ना वो बहुत ज़बरदस्त लगाया है। ये मैंने अब यही दिखाया था कि यहाँ पर ये नहीं कि एक आपने आफ्टर मार्केट आर्म रेस्ट खरीदा और वो लगवा लिया, नहीं, पूरा सेंटर कंसोल चेंज हुआ उसके लिए। बिल्कुल है ना, तो पूरा वो पूरा जेन्युइन ही फिटिंग हो गई है उसमें, और आपको कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा जो कि टॉप वेरिएंट में हो। तो वहाँ पर ये चीज़ लगी है, रूफ रेज लगवाई है, सिर्फ एंटीना लगवाया है, व्हील कवर लगवाए हैं, व्हील कवर लगवाए हैं, और कीज़ भी आपने बनवाई है। हाँ, की भाई, तो ये भी काफ़ी अच्छा हो गया। अभी सर जैसे बता रहे थे कि गाड़ी अपने पास है, तो धीरे धीरे और भी चीज़ें उसमें लगवाएंगे, लाइट उसमें। हाँ, एम्बेंट लाइट और कुछ चीज़ें रह गई हैं। हाँ, वो नेक्स्ट ट्रिप में लगने वाला है। चलो आप पूछ रहे थे कि शॉप का क्या, यहाँ पर कैसा एक फीडबैक अगर आप देना चाहो, क्या है फीडबैक? नहीं, अच्छी शॉप है, टाइमली काम हो गया, हम काफ़ी लेट आए थे लेकिन इन्होंने सभी बंदे लगा के हमारा बहुत जल्दी काम, और कॉस्ट भी ठीक है, जेन्युइन कॉस्ट। तो कितना खर्चा आया बताना चाहेंगे? 40-42 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा है। अच्छा, 40-42 हज़ार रुपये में। और गाड़ी कितने की पड़ी थी हमें? ये 10,43,000 रुपये की पड़ी। 10,43,000 ऑन रोड हमें ये गाड़ी पड़ी है, और 40-42 हज़ार रुपये, यानी कि 11 लाख अंदर ये समझ लो कि सारा काम हो गया। एक बेस मॉडल खरीद करके आप उसमें ऑलमोस्ट टॉप वेरियंट जितना सारा काम करवा सकते हो। तो अगर आपके पास भी कोई भी गाड़ी हो, यानी कि कोई भी वेरिएंट हो, तो उसको लेकर के आप आ सकते हो करोल बाग में। कहाँ पे आना है? शॉप आप देख रहे हो, फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर भी मिल रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। क्रिस्टल कार केयर पे आप आकर के अपना काम करवा सकते हो। तो चलो विजय भैया हमारे साथ में बैठे हैं, विजय भैया से पूछेंगे, जो भी हमने आज XUV300 में काम किया है, कस्टमर तो भाई बता के गया है, भाई बढ़िया अच्छी रेटिंग लेके गए, ठीक है, अच्छा काम, अच्छी रेटिंग है ना। खर्चा कितना आया है? और उन्होंने तो जैसा हमें बताया भैया कि 40,000-42,000। बिल्कुल सही बात है, बट हमारे और जो व्यूअर्स ये देख रहे हैं, देखो लेने वाला ज्यादा बताएगा या कम बताएगा, ज्यादा लेके कम भी बता सकता है। तो अगर जिसका बजट इससे भी कम हो क्या करेंगे फिर? जिसकी बजट 25,000 रुपए का है ना, उसके भी काम हो जाएंगे, अच्छा काम होगा। हाँ, और जिसके बजट 2.5 लाख रुपए का है ना, उसका भी काम होगा। मतलब लिमिट नहीं है भाई, आपका जितना बजट होगा काम उतने में हो जाएगा। कहने का ये मतलब है जितना आपका बजट है उसमें काम होगा। सजेशन आपको सारे दिए जाएंगे लेकिन चीज़ें वही लगेंगे जो आप चाहते हो। जेन्युइन चीज़ें हम लगाते हैं, जैसा अभी मैंने आपको दिखाया कि आमरस जो था वो तो भैया आपने कमाल कर दिया, मतलब कंपनी वाला जो देता है टॉप वेरिएंट में वही हमने लगाया। बहुत चीज़ें इसकी टॉप मॉडल की है हमारे पास, साइड ग्लास टॉप मॉडल की है, पीछे की रिफ्लेक्टर टॉप मॉडल की है, सन ग्लास होल्डर टॉप मॉडल की है, इसके बाद आपको फोक लाइट टॉप मॉडल किया है, ग्रिल टॉप मॉडल किया है, हेडलाइट टॉप मॉडल वाली हमारे पास W8 की, सब मिलता है, ओरिजिनल आपको मिल जाएगा भाई। जो भी इस गाड़ी में नहीं लगा, लेकिन ये मत सोचोगे नहीं, आप सब मिलता है। शौक का कोई कीमत नहीं होगा, आपकी जो बजट होगा और जैसा आपकी चॉइस होगा वैसा काम हो जाएगा। गाड़ी कोई भी हो, वेरिएंट कोई भी हो, यहाँ पर लेके आ सकते हो। स्क्रीन पे नंबर आपको भैया का दिख रहा है, ठीक है,
पूरा एड्रेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ से एड्रेस आपको मिल जाएगा। क्रिस्टल का केयर पे आप आओ, काम करवाओ, बार बार यहीं आओगे और मैं यार दोस्तों को भी बोलोगे। बिल्कुल ठीक है। तो भाई चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया हो तो।